है आपका हमारे नए चैनल प्रिया इज व्लॉगिंग में। यस जीजू थोड़ा सा बताएंगे ये प्रिया इज व्लॉगिंग क्या है। प्रिया इज व्लॉगिंग एक्चुअली आपका वो वाला चैनल है जो प्रियाज एंटरटेनमेंट है और उससे भी पहले जाते हो। ये पहले इंडियन MBBS था फिर प्रियाज किचन बना और अब बन गया है प्रियाज व्लॉगिंग। ओह आई सी या आई रिमेम्बर। तो इसके इतने सारे नाम चेंज हो गए और ये वापस अब अपने असली रूप में आ गया मेरे हिसाब से। आपकी रिक्वेस्ट पे हमने अलग से व्लॉगिंग के लिए चैनल चला दिया है। अब आपने अपना सपोर्ट देना है, इस पे खूब सारा प्यार देना है क्योंकि इस चैनल पे आपको दिखने वाले हैं आपके फेवरेट जीजू भी। एक्चुअली देखो मुझे ना ये ऐसे भागती दौड़ती बड़ी मस्त लगती है। स्पीड मोड है ना, स्पीड मोड तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं अपना पूरा दिन रिकॉर्ड करके स्पीड मोड पे चला दिया करूंगी जान, तुम एंजॉय करो। मैं तो कह रहा हूँ बीच में से आवाज वाज सब काट दो, एकदम सीधा स्पीड मोड में दिखाया करो। कितने खराब है, मतलब इनसे आवाज नहीं बर्दाश्त होती मेरी। हाँ देखो शादी के 15 साल बाद बीवी की आवाज कहाँ बर्दाश्त होती है। अभी मैं बताती हूँ, जरा रुक जाओ। आलू की सब्जी बनाई नहीं, काले चने उसमें आलू क्या कर रहे हैं फिर, वो गाड़े कर देते हैं ना। आगे आप देखो प्लीज अपना प्यार देना इस चैनल को आगे बढ़ाने में, आपने हमारी मदद करनी है। आगे का जो ब्लॉग है वो ऑडियो के साथ है, ठीक है जीजू। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग में, बाय बाय। आपके जीजू हाय कर दो जीजू। अभी अपनी खिचड़ी डाल के लेके जाएंगे अपनी मर्जी से, जितनी खानी है आप डाल लीजिए। मम्मी और तुम्हारे लिए ही है सो सफिशिएंट है, जितना मर्जी ले लो। नो वन एल्स इज गोइंग टू ईट। कुकर उठा के डालो यार, इतनी थोड़ी सी, मतलब कैमरा शाई हो रहे हो क्या तुम। शादी में देखा ना वो मुंह पे कैमरा लेके चढ़ जाते हैं। ये मुंह पे कैमरा लेके चढ़ गई खाना डालते टाइम। अच्छा। तो इतनी सी डलेगी खिचड़ी खाना डालते टाइम। मैं तो थोड़ा पूरा खाते हुए दिखा देती हूँ अपना, एक एक कण खाते हुए। इतने जोक्स बने उन कैमरा वालों के ऊपर। कोई बात नहीं, आप शर्माए नहीं, घर का ही खाना है, आराम से आपके घर का है तो आप अच्छे से खा लें। तो ये हमारे काले चने जो है वो थोड़े से गड़क रहे हैं। लो जी ये बन गए हैं हमारे गर्मा गर्म काले चने। हाय जीजू। अरे भाई जीजू आज तो बाल कटा रखे हैं आपने, कटिंग करवा के आए हैं आपके जीजू और अब कर रहे हैं जिम। और अभी इन्होंने कुछ कुछ आज जिम जिम नहीं हुई, टी-शर्ट पहनी है। हाँ आज इन्होंने टी-शर्ट पहनी, आज मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। और आज इन्होंने कुछ करने की कोशिश करी जिसके बाद हमें खूब हंसी आई। ये कर क्या रहे थे वैसे तुम? मैं करके दिखाऊंगा एक दिन। अच्छा इन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ। ये हमारे मेन डोर पे इन्होंने बोला प्रिया मैं सिर नीचे और पांव ऊपर करके करूंगा एक्सरसाइज, तो तुमने मुझे लिफ्ट करना है। रिवर्स पुशअप्स करने थे इनको। वाह वाह, मेरे से पहले तो लिफ्ट नहीं हुए, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने लिफ्ट कर दिया, तो एक सेकंड में इन्होंने बोला वापस कर लो। मैंने कहा ऐसी घबरा जाएगी प्रिया, घबरा जाएगी। मैंने पहले ही बोला था सारा ब्लड ब्रेन में आ जाएगा, करने को हमारी कश्मीर पहुंच गई। फर्स्ट टाइम हुआ ना, अभी 2-3 बार करूंगा ऐसे, फिर अपने आप होने लग जाएंगे देखना। मैं इसकी भी अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने मंगवाई है स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई अमेजोन से, बिकॉज धीरे धीरे मैं एल्यूमिनियम के सारे यूटेंसिल्स हटा रही हूँ, इवन नॉन स्टिक्स भी हटाऊंगी बिकॉज उनके ऊपर भी कोटिंग होती है, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो या तो कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील। तो ये देखो ये मंगवाई है मैंने, बहुत ही हैवी बेस है इसका, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लगी मुझे। मैंने काफ़ी सारी कढ़ाइयों के रिव्यूज़ पढ़े, देखे, जाकर फ़ोटोज़ देखी लोगों के जो एक्चुअल रिव्यूज़ होते हैं कैसी निकली, ठीक है भी कि नहीं, तो मुझे ये मिली जो बेस्ट थी। थोड़ा सा कॉस्टली प्राइस है इसका, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी, आई थिंक 1400 समथिंग या 1500 की है, बट साइज़ भी अच्छा खासा है इसका और बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मोहित देखो इसको पकड़ के, सही है, भारी है, है ना, जलेगी। हाँ अभी तो दिख रही है, कुछ दिनों बाद सब गायब हो जाएगा। तो मैं इसका उद्घाटन करने लगी हूँ, तो इसको पहले वॉश करूंगी, थोड़ा सा जय करते हैं अन्नपूर्णा माता की। और सबसे पहले इसके अंदर बनने वाला है ये गाइस सरसों का साग। पता नहीं कितनी सर्दी रह गई है, तो हर हफ्ते मैं बनाती हूँ सरसों का साग, वीक में एक बार तो बनता ही बनता है जब भी सब्जी आती है। तो ये मैंने अभी सरसों का साग उबाल करके ब्लेंड कर लिया है, अब इसको मुझे तड़का लगाना है। तड़के के लिए भी सामान ऑलरेडी सब कट पड़ा है, खूब सारा लहसुन प्याज हरी मिर्च। तो इस नई कढ़ाई में लगाएंगे हम अपनी सरसों के साग को तड़का। सुबह अभी तक मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी व्लॉग में, यू नो गाइस तरस गए मेरी शक्ल देखने के लिए। हाँ सही बात है, जीजू के साथ फ्रेम में नहीं आऊंगी मैं, एक साथ फ्रेम में आते हैं तो मेरा मुंह तो बहुत ही बड़ा लगता है। इनका देखो चोटू सा स्क्विरल जितना, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं।
तो एक्सरसाइज टाइम पतला हो जाता है तुम्हारा मुँह। सो गाइस ये लो मैं आ गई हूँ व्लॉग में। आप लोग सोच रहे होगे दीदी की सिर्फ आवाज आ रही, दीदी क्यों नहीं दिख रही? ऐसे करना पड़ेगा नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा लगता है मेरा। एक्सरसाइज के टाइम में और भी हैंडसम हो जाता है, ये कह रहा था मैं। ओह माय गॉड, और भी हैंडसम। बस अपने मुंह में मिट्टू भरे रहने। जल्दी आ जाओ। ये देखो लाल मेरे जिगर का टुकड़ा, ये भी अपना हेयर कट करवा के आया है, है ना पार्थ? कैमरा ऊपर मत करो, अपने हाइट के बराबर करो। अपने हाइट के बराबर करूंगी तो तेरी सिर्फ चेस्ट आएगी। इसे तेरे लिए थोड़ा ऊपर करना पड़ता है। हाँ तेरी बात हो गई, फ्रेंड से बात कर रहा था अभी कॉल पे है वो म्यूट पे। इट्स ओके okay, कर ले कंटिन्यू। मैं जा रही हूँ साग बनाने। आई एम बैक। यस, तो हम आ चुके हैं किचन में। चलो पहले कढ़ाई वॉश करके चढ़ाते हैं। कोई नहीं, हम सह लेंगे। तो आपकी जीजू ने मेरी ये बड़ी वाली मटका लाइट बंद करवा दी है क्योंकि यहाँ पर वो अपनी रील बना रहे हैं और उनको इतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। तो ये मैंने गाइस कढ़ाई वॉश कर लिया अच्छे से एंड अब हम इसके अंदर डालते हैं सरसों का तेल, क्योंकि मैं अपने सरसों के तेल नहीं, सरसों के साग को तड़का लगाती हूँ। सरसों के तेल, मेरे वाह, वो सरसों का साग है, सरसों का तेल। यस, जय अन्नपूर्णा माता की। पहली बार इस कढ़ाई में गया है तेल, अब लगेगा इसमें तड़का, फिर होगा अंग अंग फड़का। ये पैन में देखो मैं ले रही हूँ मक्की का आटा। मैंने पहले भी बताया था ना कि साग को अगर आपको पंजाबी साग बनाना है ना चक्का करके थोड़ा थिक, तो आप या तो बेसन या थोड़ा सा मक्की का आटा भून के साग में डालोगे तो उसकी कंसिस्टेंसी एकदम मस्त वाली हो जाएगी। अगर आपका साग ज़्यादा थिक बना है तो ये मैंने जो साग उबलने के बाद पानी निकाला था ना उसमें से, ये भी रखा हुआ है, अभी फेंका नहीं है, इससे आप पतला कर सकते हो। और यहाँ हमारा तेल हो चुका है गर्म, तो हमें वापस हमारी लाइट दे दी गई है। ये देखो हमारी मटका लाइट ऑन हो चुकी है और अब हम तेल हमारा एकदम गर्म हो चुका है बढ़िया। इसमें हम डाल रहे हैं जीरा और साथ में फिर हम डाल रहे हैं प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कटा हुआ। यस, अदरक इसमें नहीं है, सॉरी, अदरक तो मैं ऑलरेडी इसी के अंदर ब्लेंड कर चुकी हूँ उबाल कर। ये हम हिला लेते हैं अपना तड़का। खूब सारा प्याज और लहसुन होना चाहिए, खूब सारा, तभी जो है आपका पंजाबी सरसों का साग एकदम ऑथेंटिक टेस्ट करेगा। मतलब प्याज और लहसुन में कोई कमी नहीं रखनी। तब तक इसको हिलाते हैं, घर का बना हुआ सरसों का साग साथ में मक्की की रोटी भी बना लेती हूँ, क्या कहते हो आप लोग, है ना? ओके गाइस, ये देखो भून गया है, आपने देखा कलर चेंज हो गया ना मेरे मक्की के आटे का, कुछ इस तरह से। और अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स ताकि इसमें कोई गिल्टियाँ ना बनी, जो आटा है उसकी कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो आप मदानी से भी मिक्स कर सकते हो इसको। और तब तक ही हमारा तड़का भी बन रहा है। इसमें मक्की का आटा डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हो गई है, एकदम चक्का साग। हम पंजाबी में तो ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं आप चक्के को क्या बोलते हैं, मुझे गाढ़ा, है ना, गाढ़ा भी बोलते हैं। यस, पंजाबी में गाढ़ा हो गया ना साग, एकदम बढ़िया। तो अब हम इसमें डालते हैं ड्राई स्पाइसेस। ये डाली मैंने थोड़ी सी मिर्ची और साथ में धनिया पाउडर, और डालेंगे हम इसमें नमक थोड़ा अभी डाल रही हूँ थोड़ा साग डालने के बाद। यस, हमारा मसाला हो चुका है, मैं गैस की फ्लेम कम कर रही हूँ। लो जी देख लो, मैंने डाल दिया है इसमें साग कढ़ाई में, कितना बढ़िया लग रहा है। दो टाइम तो हम खा ही लेते हैं इसको, मस्त लग रहा है, तड़का लगा एकदम तुमने, वेरी गुड। हाँ साहब, सीख गया ये छोटू मैसेज रह रहे ना जी साहब, थैंक यू साहब। पकड़ लो जरा, तुम मैं बीच में रोक रोक के शूट कर रही हूँ, प्लीज। ये छोटू बोलने का बदला ले रही है नहीं सच्ची में, पकड़ लो, मुझे नमक डालना है। सो गाइस, जो बचा हुआ नमक है मैं वो डाल रही हूँ, मैंने पहले थोड़ा सा ही डाला था ना तड़के में, और मैंने उबालने के टाइम भी नमक नहीं डाला हुआ। आप चाहो तो उबालने के टाइम भी डाल सकते हो, मर्जी है। ओए होए, क्या खुशबू हो रही है साग की घर में, है जीजू? सही बात है, अभी तुम पहुंची नहीं हो मेरे लेवल तक, पर ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो बेटे अभी तो कैमरा ऑन है, अभी पॉज करके बोलती हूँ, कुछ बोलना है मुझे। लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, दीदी आप और जीजू जब इकट्ठे वीडियो में आते हो ना तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, पता नहीं क्या मजा आता है, हर टाइम ये मजाक उड़ा देते हैं मेरा, डांट खा देते हैं मेरे से। वो कुल्हाड़ी लोग पाँव पे मारते ना, मैं कुल्हाड़ी सीधा करके धार लाके टूट जाता हूँ। ये मेरी तरह दिखाओ जरा, ऊपर करो कैमरा, मैं बताती हूँ। हाँ ये लो, नहीं नहीं ऊपर का धार, बल्ले बल्ले ले जाओ इसको। गाइस एक होता है ना कि हम
पैर कुल्हाड़ी। हाँ, कोई बात नहीं, बोला जा रहा तो है नहीं। कम आदमी पैर कुल्हाड़ी पे आना, तुम्हारे जीजू ऐसा काम करते हैं कि कुल्हाड़ी मारना। हाँ, पैर पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। ये क्या करते हैं, कुल्हाड़ी को पहले तेज करते हैं, उसके बाद उसे एंगल पे रखते हैं, उसके ऊपर कूद जाते हैं। इसका मतलब है ये जान के ऐसी कोई बात करते हैं जिससे कि मुझे गुस्सा चढ़ जाए, उसके बाद फिर इनकी क्लास लगे और फिर इनको सॉरी बोलनी पड़े। वो तो सुबह उठते 3-4 बार पहले ही बोल देता हूँ एडवांस में सॉरी। ऐसे मैं एडवांस में माफी देती नहीं हूँ। सो गाइस, साग हमारा बन चुका है, अब क्या करेंगे, तड़का वड़का इसको सब लग गया, इसमें सब डल गया है। अब मैं फ्लेम को एकदम लो कर दूंगी और मैं इसको थोड़ा सा ढक दूंगी। अब धीमी आंच पे ये कम से कम 15 मिनट जो है पकेगा, बीच बीच में मैं हिलाती रहूंगी तो इसका क्या बढ़िया टेक्सचर आएगा और क्या ही बढ़िया तरीके से तड़का रचेगा इसमें। उसके बाद हम करेंगे सैम्पल टेस्टिंग। सो चलो गाइस, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर आपके जीजू के पास। ये अपना शुरू हो गए। तुम्हारे को यहाँ कनक और गेहूँ रख दूँ, आटा पिस जाएगा। यहाँ गेहूँ फैला दूँ फिर आटा पीस देना। किसी और पे चला सकता हूँ मैं। चलवा दे तो। मुझे पतला कर दो, मैं लेट जाती हूँ। पापड़ बना दूँ तुम्हारा मैं। हाँ नहीं, पापड़ जितना पतला भी नहीं होना, मैंने यूजलेस थोड़ा ना बनना है। इसको एब रोलर कहते हैं। Ab roller. Yeah, oh my god. So guys, you can watch your Jiju's reels, gym reels on his Instagram ID, which is here. I think मैं डाल दूँ editing में, कहीं भूल ना जाऊँ। हर बार बोलती हूँ here, उसके पास डालती नहीं हूँ। और ये YouTube पे भी shorts डालते हैं ये अपने gym वाले बना के। So anybody who's a fitness freak और fitness पसंद है आपको, तो आप Jiju के वो videos देख सकते हो। Jiju पीठ नहीं दिखाते हैं vlogging में। अब तुम पीठ पे कैमरा लगा दोगे तो बेचारे Jiju क्या करेंगे? Guys please ignore this। आपको मैंने बोला ना, जो कपड़े बाहर नहीं सूखते ना, रात को नहीं ना बाहर छोड़ सकते हम, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे फैला देते हैं। अब फ्लैट में रहने वाले लोगों को तो ऐसे ही फैलाना पड़ेगा ना सोफे पे। और आज तो मैं करने वाली हूँ मोहित साग और मक्की की रोटी बनाऊंगी, उसका मकबैंग शूट कर लूंगी। तब जो मैं रोटी बनाऊंगा वो डालूंगी। हाँ हाँ, ये जो तुम रोलर है ना, सच्ची में मक्की का आटा रख देती हूँ, बेल दो। हाँ। पका भी देना उसको। सही है। सो गाइस, इसी के साथ हम आ गए अपने ब्लॉग के एंड पे। मैंने बना ली मक्की की रोटी और साथ में मैंने करा मकबैंग भी। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल प्रियाज एंटरटेनमेंट पे भी विजिट कर सकते हो। अब आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आगे बढ़ सके और प्यारे प्यारे ब्लॉग आपके लिए ला सके। जीजू क्या कहते हो आप? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इनको ठूस ठूस के खाते हुए देखना तो इनका वो चैनल भी विजिट कीजिए।